कि भाई गोपाल कांडा जी सिरसा वासियों के लिए हर वक्त 24 घंटे तैयार रहते हैं। जब उन्होंने देखी कि इस आपदा के अंदर आज सिरसा के अंदर चलो सब चीज़ों की जरूरत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है महामारी के अंदर, एक ऑक्सीजन की जो दौड़ धूप हम देख रहे हैं मरीजों के लिए, चारों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो रही है, उसको देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने आज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उनका एक ऑर्डर किया है करीबन 150 पीस का, लगभग वो 10 तारीख तक सिरसा में आ जाएंगे। उनको देखते हुए भाई गोपाल कांडा जी ने आज कोविड को देखते हुए सिरसा वासियों के लिए लगभग 1 करोड़ रुपये का ऑर्डर जारी कर दिया है और 10 तारीख तक सिरसा के अंदर ऑक्सीजन के लिए हम किसी की जान नहीं जाने देंगे। चाहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए भाई गोपाल कांडा जी को विदेशों से लानी पड़े, आज भी ये चीज़ें आएगी, ये विदेशों से आएगी, और अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो सिरसा वासियों के लिए हर टाइम 24 घंटे भाई गोपाल कांडा जी खड़े हैं। और आज इन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर देकर सिरसा वासियों के लिए ऑक्सीजन का पूरा एक रूपरेखा तैयार करके और एक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो चीज़ चली है ये मंगवाई है 150 पीस का, लगभग 1 करोड़ रुपये का ऑर्डर कर दिया, ये जो 10 तारीख तक सिरसा में पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे सिरसावासी, बाकी तो भगवान के हाथ में हैं, पर हम जितनी कोशिश करेंगे सिरसावासियों के लिए उतनी थोड़ी है, और 24 घंटे भाई गोपाल कांडा जी तैयार हैं। ये जहां हॉस्पिटल में जरूरत होगी ये बाबा तारा कुटिया से जारी किया जाएगा कि जिस मरीज को जरूरत है उसके लिए यहाँ से उसके नाम से ये जारी होगा, जिस हॉस्पिटल में जरूरत है उस हॉस्पिटल में जारी रहेगा, आगे से आगे जहाँ मरीजों को जरूरत पड़ती रहेगी इसकी एक चैन सिस्टम बना देंगे उसको, मतलब मरीजों को जहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में मरीज है उसको एक ये कंसल्टेटर दिया जाएगा कि उसकी ऑक्सीजन पूरी हो, क्योंकि आज सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, आ नहीं रही, तो ये पूर्ति करता है, एक मरीज को घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके साथ ये लगा रहेगा, जिस हॉस्पिटल में जहाँ जरूरत होगी हम वहीं देंगे।